दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म दीवार के बारे में, कुछ अनजाने तथ्य जो शायद आप नहीं जानते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दीवार फिल्म 1975 को रिलीज हुई एक क्लासिक फिल्म है। बॉलीवुड में माफिया पर आधारित कई फिल्में बन चुकी है, मगर दीवार फिल्म का मुकाबला आज तक कोई फिल्म नहीं कर पाई। इस फिल्म ने अमिताभ का करियर ग्राफ बहुत आगे बढ़ा दिया था और इस फिल्म से उन्होंने सुपरस्टार की श्रेणी में पहला कदम रख दिया था। मगर अमिताभ बच्चन इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा की पहली पसंद नहीं थे। जी हां, यश चोपड़ा ने पहले दीवार के मुख्य किरदार विजय वर्मा के रोल का प्रस्ताव पहले राजेश खन्ना को दिया था, मगर इस फिल्म के लेखक सलीम जावेद ने यश चोपड़ा को अमिताभ का नाम सुझाया, जिसका एक कारण ये था कि सलीम जावेद की राजेश खन्ना से अनबन थी। इससे पहले ये रोल शत्रुघ्न सिन्हा को भी ऑफर हो चुका था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। इस फिल्म में माँ का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसे निरूपा रॉय ने बेहद ही सशक्त तरीके से निभाया था। और इस फिल्म के संवाद मेरे पास माँ है एक यादगार संवाद है। ये डायलॉग आपने कई बार अक्सर सुना होगा कि मेरे पास माँ है, मगर माँ का किरदार पहले वैजयंती माला को ऑफर हुआ था, मगर जब उनको पता लगा कि राजेश खन्ना इस फिल्म में नहीं है तो उन्होंने भी इस रोल को करने से इनकार कर दिया था। वैजयंती माला के मना करने के बाद यह रोल वहीदा रहमान को ऑफर किया गया और वो इसके लिए तैयार थी, मगर वो एक अन्य फिल्म में अमिताभ के साथ हीरोइन का रोल कर रही थी, इसीलिए जनता की विपरीत प्रतिक्रिया के अनुमान से ये रोल निरूपा रॉय को मिला। दीवार फिल्म की कहानी गैंगस्टर हाजी मस्तान की जिंदगी से मिलती जुलती थी। हाजी मस्तान भी 17 साल की उम्र में मुंबई आया और वहीं से धीरे धीरे गैंगस्टर बन गया। अमिताभ बच्चन हाजी मस्तान के तौर तरीके सीखने के लिए उनसे मिलते रहते थे। फिल्म फेयर अवार्ड में दीवार 9 श्रेणी में नामांकन हुई थी और इसको 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार शशि कपूर, सर्वश्रेष्ठ कहानी सलीम जावेद, सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले, सर्वश्रेष्ठ संवाद, सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन शामिल थे। हालांकि अमिताभ बच्चन सर्वश्रेष्ठ एक्टर और निरूपा रॉय सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार के लिए नामांकन थे, मगर उनको ये पुरस्कार नहीं मिला था। इस फिल्म में संगीत आरडी बर्मन का था और इस फिल्म के लिए 6 गाने की रिकॉर्डिंग की गई थी, मगर फिल्म में 4 ही गाने रखे गए थे, 2 गाने फिल्म के ऑडियो कैसेट में रखे गए थे। ये इतनी ज़्यादा सफल फिल्म थी कि सन 1976 में इसका रीमेक तेलुगु भाषा में बनाया गया, जिसका नाम था मगाड़ू। और फिल्म में मुख्य भूमिकाएं NTR और रामाकृष्णन ने निभाई थी। सन 1981 में इसका रीमेक तमिल में भी बनाया गया, जिसके मुख्य एक्टर थे रजनीकांत और सुमन। फिर सन 1984 में इसका रीमेक मलयाली में भी बनाया गया और ममूटी इसमें मुख्य भूमिका में थे। ये फिल्म हांगकांग में भी इतनी लोकप्रिय हुई थी कि इसका रीमेक द ब्रदर के नाम से बना और फिर द ब्रदर्स से प्रेरित होकर एक और फिल्म द बेटर टुमारो बनी। सन 1986 में संजय दत्त की फिल्म नाम की कहानी भी दीवार से मिलती जुलती है। फिल्म दीवार और शोले की शूटिंग साथ हो रही थी। अमिताभ बच्चन दिन में 2-2 पालियों में काम करते थे, दिन में दीवार और शाम में और रात में शोले की शूटिंग करते थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के बचपन की भूमिका निभाने वाली कलाकार फिल्म अभिनेत्री पल्लवी जोशी के भाई है, जिन्होंने बाद में कई टीवी धारावाहिक में काम किया है। दीवार फिल्म 100 सप्ताह तक सिनेमा घरों में लगी रही थी और ये 70 के दशक की उन 13 फिल्मों में शामिल थी जिसने 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था। इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन जिसमें अमिताभ बच्चन की मृत्यु हो जाती है, इसके लिए कोई डायलॉग नहीं लिखे गए थे और अमिताभ बच्चन को परिस्थिति के हिसाब से डायलॉग बोलने की स्वतंत्रता दी गई थी। दीवार फिल्म को इंडिया टाइम्स की
टॉप 25 मोस्ट वॉच फिल्मों की सूची में रखा गया है। प्रसिद्ध किताब 1001 मूवीज यू मोस्ट वॉच बिफोर यू डाई में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मदर इंडिया के साथ दीवार का भी नाम है। आपने अगर दीवार फिल्म नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।